तो गाइज यार, आज के इस वीडियो में यार हम लोग काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ बनाने वाले हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। आप देखे थोड़ा सा यार ये, तो गाइज आप देखो यहाँ पर यार, ये काफ़ी कमाल का चीज़ है और इसको मैंने बॉटल की सहायता से सिर्फ बनाया है, और धागे की सहायता से, जो काफ़ी ज़्यादा काम के होने वाला है। इससे यार आप आम भी तोड़ सकते हो, अमरूद भी तोड़ सकते हो, बहुत सारे फल तोड़ सकते हो, कोई भी फल इससे तोड़ सकते हो, और काफ़ी आसान है। और यहाँ पर मैंने इस पर तकरीबन 4 फीट का पाइप लगा दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर मैंने इसको एक गियर टाइप लगा दिया है। यहाँ पर आप गैस देखोगे, जैसे हम इसको खींचेंगे तो यहाँ पर ये वाला मुंह इसका खुल जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारा काम करेगा, तो काफ़ी अच्छे से काम करता है गाइस। ये वाला आप बना सकते हो। इस वीडियो में यार मैं इसको बनाकर दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी करते हुए। लेट्स बिगिन स्टार्ट। तो गाइस यार, हमें बनाने के लिए ये वाला जुगाड़, हमें कुछ सामान की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास एक 2 लीटर का ठंडा का जो है बॉटल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। और यहाँ पर गाइस एक छोटा सा हम पाइप ले लेंगे, PVC, जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम कुछ इस प्रकार से इसके लगा देंगे, ताकि ये फिट हो जाए हमारा आसानी से। उसके बाद यार हमें चाहिए एक बहुत ही बड़ा, तकरीबन 5 से 6 फीट का ये पाइप है गाइस। ये बहुत बड़ा है, मैं आपको दिखाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है यार, लेकिन ये भी बनाकर दिखाता हूँ तब आपको पूरा दिखेगा आसानी से। तो गाइस इसको मैं साइड रखता हूँ और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार, उसके लिए थोड़ा सा हमें स्केच की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हम इसके मार्किंग कर लें। और यहाँ पर मुझे एक एक्सेल ब्लेड की आवश्यकता पड़ने वाली है, जो इससे हमें काटने की ज़रूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पर एक प्लास ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ धागा ले लेंगे, जो इसका मेन काम होगा। और यार गाइस, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेरे पास सोल्डर आयरन है, जो इसको गर्म कर लिया है इसमें छेद करने के लिए, जो इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें आगे वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को यार। और सबसे पहले इसको हम बॉटल को लेंगे, उसके बाद मार्किंग कर लेंगे स्केच की सहायता से। तो मार्किंग कर लेते हैं गाइस यार, इसको हम 4 भागों में तकरीबन काटेंगे। यहाँ पर गाइस मार्किंग कर लेंगे, एक यहाँ पर काटेंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे, जो कि निशान आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो और एक यहाँ पर कट करेंगे, एक यहाँ पर। तो भाई यार ये मुझे लगता है इतना काफी रहेगा। 4 भागों में इसको हम बराबर कट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा साइज हम ले लेते हैं। तो भाई यार आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने मार्किंग काफी अच्छे तरीके से कर दिया है। यहाँ पर मैंने 4 भागों में इसको बराबर कट कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर इसको एक्सेलरेटर की सहायता से कट कर लेता हूँ, और जल्द फास्ट कट करता हूँ, ताकि आपका समय बच जाए और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो। तो मैं यहाँ पर इसको रखूँगा और इसी की सहायता से कट करना स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस यार काफ़ी ज़्यादा समय लगा, और समय के बाद इसको मैंने कट कर दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर गाइस कुछ इस प्रकार से ये खुलने लगा है हमारा, जो ये है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से खुलेगा और फिर अपने आप बंद हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो इसको मैंने यहाँ पर कट कर लिया है, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर गाइस मार्किंग भी कर दिया है, ताकि यहाँ पर यार मैंने छेद करना है और यहाँ पर भी छेद करना है, तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा छेद करने में। और इसको हम सोल्डर आयरन की सहायता से सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम सोल्डर आयरन उठा लेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर गाइस इसको हम छेद कर लेंगे, ताकि हमारा धागा यहीं पर बांधने वाला है, तो इसको हम छेद कर लेंगे सबसे आसानी से। तो गाइस यार, मेरा जो सोल्डर आयरन है वो अभी लाइट के वोल्टेज के कारण गर्म नहीं हो पा रहा है, इसलिए यार मैं यहाँ पर चिमटी की सहायता से ही काम कर लूँगा काम चलाने के लिए। तो काम वैसे ही करना है, दोनों ही एक ही काम करेगा। तो मैं यहाँ पर गाइस एक छेद यहाँ पर कर दिया हूँ, और यहाँ पर भी छेद कर लेते हैं फटाफट से, ताकि ज़्यादा समय ना लगे। तो यहाँ पर हम चिमटी की सहायता से कर, तो गाइस ये सारा छेद हो गया है, और इधर भी मैंने छेद कर दिया गाइस। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यार कुछ शायद ठीक ना दिख रहा हो, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर गाइस आप देखिए, यहाँ पर मैंने छेद कर दिया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर
और फाइनली यहाँ पर कर दिया है जो कि इसके सामने इस धाई पर है छेद। तो अब फटाफट से इसमें हम धागे को बांध देते हैं। तो धागे को यहाँ पर हम लेंगे, उसके बाद इसको हम यहाँ पर इसमें डाल देंगे। बड़ा सा गांठ मार दूंगा ताकि हमारा जो ये छेद से बाहर ना जा पाए हमारा धागा खींचने के बाद। गाइस यार बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद यार ये बनके तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पर सारे धागे को लपेट कर यहाँ पर एक गांठ लगा दिया है, काफ़ी बड़ा है आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने जितना क्षेत्र सब पे मैंने धागा लगा दिया है। और अब मैं इसका थोड़ा सा डेमो आपको दिखा देता हूँ ये किस प्रकार से हमारा काम करेगा। तो गाइस यार आप देखना यहाँ पर ये खुलेगा, इसका जो मुँह है ये खुल जाएगा जैसे यहाँ इस वाले धागे को खींचते हैं, कुछ इस प्रकार से ये खुलेगा। थोड़ा सा इसका डेमो जैसे तो मामला आप कुछ देख पा रहे हैं गाइस, कुछ इस प्रकार से इसका मुंह खुलेगा यार, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। और उसके बाद फिर कुछ इस प्रकार से बंद हो जाएगा जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे। तो आप देख पा रहे हैं गाइस ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और गाइस यार हम इसमें फटाफट से यार बड़े से पाइप को लगा देते हैं। सबसे पहले हम इस वाले पाइप को लगाएंगे, उससे पहले यहाँ पर हम एक यहाँ पर यार ये जो हमारे बहुत बारीक प्लास्टिक का धागा है तो इसको भी हम इसमें लगा कर बांध देंगे ताकि हमारा ये काफ़ी अच्छे तरीके से मजबूती के साथ काम करे गया है। और यहाँ पर इसका जो ये सब है काफ़ी अच्छे तरीके से काम भी करेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये काम कर रहा है अच्छे से, जो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है अपना। तो इसको मैं यहाँ पर रखता हूँ, जो फालतू ये बचा हुआ है इसको मैं कट कर देता हूँ। तो इसको कट करने के लिए यार मुझे थोड़ा सा यहाँ पर इसको रख कर कटिंग करेंगे। तो गाइस यार सब कट गया है, फालतू जितना था सब कट गया है। और अब हम इसमें एक पाइप यहाँ पर लेंगे और इसके अंदर अटैच कर देंगे। सो तो गाइस यार अब हम इसमें बड़े वाले पाइप को लगा देते हैं। तो गाइस यार इसका पाइप बहुत बड़ा मैंने लगाया है ताकि आप काफ़ी हाइट पर आम तोड़ सकते हो, चाहे कुछ भी इसे तोड़ सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको पतले पाइप से इसको दोनों सॉफ्ट को एक साथ जोड़ दिया है। और अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से सेटअप कर देता हूँ दोनों का, कुछ इस प्रकार से सेटअप हो गया है। और अब देखना गाइस, तो गाइस यार अब चलिए इसका टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि बन के तैयार हो गया है हमारा जो ये जुगाड़ है देसी जुगाड़, और इसको बाहर चल के टेस्ट करते हैं। इतना बड़ा लगा दिया गाइस कि आप चाहे जितने ऊपर से इसको हाइट से काफ़ी आम तोड़ सकते हैं, अमरूद तोड़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें फल आप तोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका जो साइज है, यहाँ पर थोड़ी सी मैं यहाँ पर गाइस जैसे ही हम यार यहाँ पर तो गाइस यार यहाँ पर जैसे हम इसको खींचेंगे कुछ उस प्रकार से वहाँ पर उसका मुँह खुलेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर। तो गाइस जब देखना अभी तो यार आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और जैसे हम इसको खींचते हैं यहाँ पर और वहाँ पर उसका मुंह खुल जाता है और हम अपना आम तोड़ के बंद कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं जुगाड़। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको खींच के दिखा देता हूँ आपको, हल्का से इसी करता हूँ, ऐसे कह रहा हूँ कितने दूर आ गया। तो भाई आप देखना यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है यार। तो भाई जैसे हम जैसे हम इस वाले चीज़ को खींचते हैं कुछ इस प्रकार से वहाँ पर वो चलने लगता है काफ़ी अच्छे तरीके से। यार इसका पाइप इतना ज़्यादा बड़ा है यार कि मज़ा नहीं आ रहा है इसको थोड़ा सा, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है अपना अच्छे तरीके से। यहाँ पर गाइस आपने देख लिया यार काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो आज का वीडियो बस यहीं पर यार, हम मिलते हैं एक नया वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।